ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा घंटो नौवां अध्याय 38वां श्लोक। तो इस अध्याय में हम सुन रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत प्रार्थनाएं करी और उसके बाद भगवान बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से, और ब्रह्मा जी को ये आश्वासन दिलाते हैं कि यदि तुम इस तरह से संसार में संसार की मैनेजमेंट का काम करोगे और जीवात्माओं को इस संसार में आने का एक मौका दोगे ताकि वो इस संसार में आके शुद्ध होकर भगवान के धाम में वापस जा पाएँ, इसके लिए क्योंकि यदि तुम आप ऐसा काम करोगे तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ इस संसार में संसार की माया, संसार का अट्रैक्शन तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और तुम अपने पद से नीचे नहीं गिरोगे और तुम भक्ति कर पाओगे। हाँ, तो ऐसा आश्वासन भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं और भगवान कंटिन्यू करते हैं ब्रह्मा जी के बारे में बोलने में। तो इस चैप्टर का अंत में हम लगभग आ गए हैं जिसका शीर्षक है ब्रह्मा जी की प्रेयर्स। तो 38वें श्लोक में हम सुनते हैं, यच्चकर्थ अंग मत स्त्रोतम मत कथा अब युदय अंकितम यत्वा तपसीते निष्ठासा एष मत अनुग्रह। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां करी हैं, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं करी हैं तथा मुझमें तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबको तुम मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। यानी कि अगर हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं तो हमें इसको भी भगवान की अहेतु की कृपा ही समझनी चाहिए। यदि हम भगवान की स्तुतियाँ कर पा रहे हैं, कई बार हम भगवान के श्लोकों को याद कर पाते हैं, कई बार हम प्रवचन दे पाते हैं, कई बार हम फास्टिंग कर पाते हैं, कई बार हम यात्राएं कर पाते हैं, कई बार हम भक्तों के संग में जा पाते हैं, रह पाते हैं, ये सारी की सारी भगवान की अहेतु की कृपा है। हाँ, लेकिन ये अहेतु की कृपा मिलती उसी को है जो इनको भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। यदि हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो भगवान की अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। हाँ, ये बात, ये रहस्य है। लेकिन हम थोड़ा सा भी प्रयास करें, हाँ थोड़ा सा भी, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्याधि, अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो भगवान जो है हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू, हाँ मेरी कृपा से तुम इतना कुछ बोल पा रहे हो ब्रह्मा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए इस बात के लिए, हमें हमारा सीना चौड़ा नहीं हो जाना चाहिए। यदि हम भक्ति कर पा रहे हैं या इस संसार में भी यदि हम कुछ उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, कुछ डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, कुछ धन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे को भगवान ने बुद्धि दी है। कितने ऐसे लोग हैं जो पागलखाने में भर्ती हैं, हाँ हमारा दिमाग काम कर रहा है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम तो क्या करते हैं अपने दिमाग को, हाँ कि वो काम करता है। कई बार कैसे आदमी का ब्रेन हैमरेज हो जाता है, क्या क्या नहीं हो जाता है। तो वास्तव में हमारे अंदर बुद्धि दी, हमारे अंदर ऐसी परिस्थितियाँ दी जो हम भक्ति कर पाए, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब कोई दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान चैत्य गुरु बनकर, यानी कि हृदय के अंदर आंतरिक गुरु, बाह्य गुरु भगवान भेजते हैं किसी व्यक्ति को, और आंतरिक रूप से भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं। तो अंतःकरण के गुरु के रूप में भक्त की अनेक प्रकार से भगवान सहायता करते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी क्लास चल रही है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, इन क्लासेस में तुम्हें जाना चाहिए, इस तरह से प्रेरणा देते हैं, तुम्हें ये व्रत रखना चाहिए। हाँ, और फिर वो ढूंढता है, अच्छा मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, कोई तो मुझे मिलेगा, कोई मिलेगा जो इसके बारे में बताएगा। फिर अचानक से कोई मित्र मिलेगा, कहेगा मेरे को, मैं किसी को जानता हूँ, तुम वहाँ चलो। हाँ, तो देखिए बहाने से बहाना बनता है और हम कनेक्ट हो जाते हैं गुरु परंपरा से। तो वो प्रेरणा भी भगवान हृदय में देते हैं। इस तरह भक्त भौतिक अनुमान से परे अनेक अद्भुत काम करता कर सकता है। हाँ, भौतिक अनुमान के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि शिला प्रभुपाद 12 सालों में संसार में इतने सारे मंदिर, 108 मंदिर, इतने सारे सेंटर, इतने सारे भक्त कैसे बना सकता है कोई व्यक्ति, कैसे कोई इतना उम्र का व्यक्ति संसार में इतने सारे चक्कर लगा सकता है, इतना कुछ कर सकता है। तो भौतिक अनुमान के परे, हाँ क्योंकि उसके बाद भगवान की शक्ति होती है। भगवान की कृपा से एक साधारण व्यक्ति भी सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की स्तुतियों की रचना कर सकता है। हम सुनते हैं वाल्मीकि मुनि के बारे में। तो वाल्मीकि मुनि, हमने सुना किस प्रकार से एक चिड़िया को
हाँ, एक शिकारी ने भेद दिया अपने बाण से, और वाल्मीकि मुंह से अचानक से, जबकि वो एक साधु थे, इन बातों का उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। जन्म मृत्यु तो वो देखते रहते हैं और जानते हैं इसका रहस्य क्या है, लेकिन फिर भी अचानक से उनके मुंह से श्राप निकल जाता है उस शिकारी के लिए। और बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि वो श्राप श्राप ना होकर एक बहुत बढ़िया पंक्तियाँ बन गई, हाँ, जैसे कि किसी ने कविता की रचना करी हो। उसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारे मुंह से ये अचानक से नहीं निकली, इसके पीछे भी एक रहस्य है कि अब तुमको राम रामायण के ऊपर लिखना है और इसी अनुसार लिखना है जैसे तुम्हारे मुंह से निकला। तुम्हें शक्ति प्रदान की जा रही है, तुम लिखते जाओ, तुम्हें सारी भगवान राम की लीलाएं तुम्हारे सामने आ जाएंगी। इस प्रकार से बता रहे हैं कि आध्यात्म, यहाँ बता रहे हैं एक साधारण व्यक्ति तक सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की स्तुतियों की रचना कर सकता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि वास्तव में एक मर्डरर था, डाकू था, वो रामायण की रचना करता है। ऐसे भगवान शक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसी आध्यात्मिक सिद्धि भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने MBA किया होगा तभी आप भक्ति कर पाएंगे, या आपने कुछ और डिग्री प्राप्त करी होगी तभी भक्ति कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए तो योग्यता भी आध्यात्मिक है, जो कि है सरलता, श्रद्धा, अपितु दिव्य सेवा करने से, करने के निष्ठावान प्रयास से, श्रद्धा, निष्ठा, हाँ, सेवा, सेवा करने की श्रद्धा। किसकी सेवा करने की श्रद्धा? साधु की सेवा करने की श्रद्धा, कृष्ण की सेवा करने की श्रद्धा। मात्र श्रद्धा होने से, हाँ, मात्र श्रद्धा होने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर ये सिद्धि, हाँ, भगवान हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, ये श्रद्धा हमारी बचपन से पैदा हो जाती है। कई बार हम देखते हैं हमारे परिवार के लोग बड़े अच्छे से जन्माष्टमी मना रहे हैं, हमारे परिवार के लोग बड़े माला का जाप करते हैं, तो बचपन से ही हमारे हृदय में श्रद्धा पैदा होने लगती है, और उसके कारण धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने आप ही सब कुछ करने लगता है। तो दिव्य सेवा करने की श्रद्धा के फलस्वरूप ये योग्यता पैदा होती है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। एकमात्र योग्यता क्या है? हमारा प्रयास, श्रद्धापूर्ण प्रयास। जब हम जब भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, याद रखिए, याद करिए वो दिन जब आपने भगवद गीता को पढ़ने की इच्छा पैदा करी होगी। आपने कोई व्यक्ति ढूंढा होगा जो मुझे भगवद गीता समझा दे, आपने ढूंढा होगा कोई ऐसी भगवद गीता हो जिसमें कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, जो कि संस्कृत में ना हो के उसका ट्रांसलेशन भी हो। आप आपकी इच्छा हुई होगी, कोई तो बताए कि व्रत क्यों रखे जाते हैं, कोई तो बताए ये देवी देवता भगवान है या कौन भगवान है, ऐसी जिज्ञासाएं आपके अंदर हुई होंगी और आपने थोड़ा जानने का प्रयास किया होगा। हाँ, आप किसी के बुलाने पर क्लास में आए होंगे, कुछ तो प्रयास हम सब ने किया ही होगा, और उस प्रयास के फलस्वरूप, हाँ, भगवान क्या देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंती ते। उसके फलस्वरूप भगवान हमें और बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम उनको और जान पाए, फिर हम और प्रयास करते हैं, भगवान और बुद्धि देते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भी भगवान बता रहे हैं कि मेरी कृपा से आज तुम इतनी स्तुतियां बोल पा रहे हो। पित्रोहम अस्तु भद्रम ते लोकानां विजये क्षया यदस्तौषीर गुणमयम निर्गुणम मानुवर्णयम। मेरी दिव्य गुण, मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, मेरे गुण क्या हैं, दिव्य हैं। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं, निर्गुण, क्योंकि उनके गुण कौन से हैं, दिव्य गुण हैं। लेकिन संसार के लोगों कैसे प्रतीत होते हैं, सांसारिक प्रतीत होते हैं। जैसे मैं जब चोरी करता हूँ मक्खन की, तो संसार के लोग हमें चोर समझ लेते हैं, हाँ, जो दुष्ट लोग हैं भगवान को चोर समझते हैं। जब भगवान गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं तो संसार के लोग उसको लड़का लड़की के बीच में नाच समझ लेते हैं। हाँ, तो संसारी लोगों को ये गुण संसारिक प्रतीत होते हैं। उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं अतीव प्रसन्न हूँ, मेरे गुणों को तुमने बहुत अच्छे से, ब्रह्मा जी आपने अपनी प्रेयर में मेरे गुणों को बहुत अच्छे से बताया है कि आप जो है तीनों गुणों के परे हैं, राइट। हम जब किसी संबंध को नहीं समझते हैं तो उस संबंध में गलत, हाँ, जैसे माना हमने देखा कि एक स्त्री है, एक रिक्शे में जा रही है, उसके साथ एक पुरुष बैठा हुआ है, हाँ, अब वो उसका पति नहीं लग रहा है संभव। हाँ, आपने देखा कि उसका पति तो कोई और है, ये किसके साथ घूम रही है, और बड़े हंस हंस के बातें कर रही है, हाथ में हाथ भी पकड़ ले रही है, तो हमारे दिमाग में कई सारी बातें आने लग जाएंगी, कौन है, क्या चक्कर चल रहा है, क्या नहीं है, क्या नहीं। हाँ, और बाद में पता चलता है कि वो तो उसका ममेरा भाई था या ये था, उनका तो बहन भाई का रिश्ता, हमें समझ, ओहो, हाँ। तो सही जानकारी ना होने के बावजूद के कारण
हम कुछ रिश्तों को गलत समझ लेते हैं। उसी तरह से भगवान की सही नॉलेज ना होने के कारण हम भगवान की लीलाओं को सही रूप से नहीं देख पाते हैं और अपनी लिमिटेड बुद्धि से उसको सोचने का प्रयास करते हैं और गलत कर लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं भगवान, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने भगवान के गुणों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। यदि आप भगवान के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं, तो हमें भक्तों के माध्यम से जानना पड़ेगा। और भक्त कौन है? भक्तों की बातें, भक्तों का चरित्र हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है। तो हम जब श्रीमद् भागवत में ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हाँ कभी इसको दोबारा सुनेंगे या हमने सुना होगा, तो हमें समझ में आया होगा भगवान के बारे में ब्रह्मा जी के माध्यम से। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत अच्छे से बताया है, अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। जो तुम कार्य अपने उठाए हो, इतना भारी भरकम कार्य ब्रह्मा का, वो उसमें तुम सफल होगे, ऐसा मैं तुम्हें वर देता हूँ। तो कोई भी कार्य की सफलता भगवान के आशीर्वाद पर ही डिपेंड करती है वास्तव में। हाँ, भगवान हमारी इच्छाओं के कारण भी कई चीज़ें पूरी कर देते हैं, लेकिन वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे कार्यों के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए जिससे भगवान की ही प्रसन्नता हो। यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी हमें भगवान से ही आशीर्वाद मांगना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं। या एतेन पुमानित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत तत्शाशु संप्रसीदेयम् सर्व काम वरेश्वरः। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। यस, यानी कि संसार में जो भी कुछ देवता भी हमें देते हैं, ऐसा भगवान गीता में बताते हैं, वो भी वास्तव में मैं ही देने वाला हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि कोई देवता दे रहा है, कोई माता दे रही है, कोई पिता दे रहा है, कोई रिश्तेदार दे रहा है, दे तो सब कुछ मैं रहा हूँ। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी की तरह भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, तो उसे शीघ्र ही वो वर मिल जाता है। लेकिन यहाँ बताया ब्रह्मा जी की तरह, हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, भगवान मेरे ब्रह्मा जी भगवान कुछ कीजिए, वीज़ा लगवा दीजिए, US जाना है, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत अच्छी जगह है, नौकरी भी करनी है। ब्रह्मा जी ने ऐसा कोई वर नहीं मांगा। ब्रह्मा जी ने निरंतर, अगर यदि आप उनकी स्तुतियाँ पढ़ेंगे, सुनेंगे दोबारा से, तो ब्रह्मा जी की स्तुतियों में यही था कि आपने मुझे एक सेवा दी है, मैं उस सेवा को कर पाऊँ, उस सेवा को करते हुए मैं आपको ना भूल जाऊँ, मैं कहीं इस अहंकार में ना आ जाऊँ कि मैं करता हूँ। हाँ, आप तीनों गुणों से ऊपर हैं, आप महान हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएँ भगवान ब्रह्मा जी करते हैं। तो हमें भी उन्हीं की लाइन्स पर प्रार्थनाएँ करनी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। वो इच्छाएँ हमारी क्या हैं? कि हम गुरु परंपरा को, हम भगवान को प्रसन्न कर पाएँ। ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का इच्छुक है, प्रभुपाद कह रहे हैं। वास्तव में कैसे करेगा वो? क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक भी वर ऐसा नहीं मांगा कि भगवान एक अच्छा सा, एक अच्छी सी पत्नी दे दो। हाँ, अब आप आ ही गए हो तो थोड़ा सा कुछ और ऑपुलेंस दे दो, या राक्षसों की तरह, हिरण्यकश्यपों की तरह, कि मैं ऐसे ना मरूं, मैं वैसे ना मरूं, मैं ये ना करूँ ना वो ना मरूँ। ऐसा कोई वर्ग, अगर कोई किसी के अंदर ऐसी इच्छाएं हैं तो वो ऐसी स्तुतियां कर ही नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति 2-3 दिन लेक्चर में आएगा, उसके बाद भाग जाएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं कैसी हैं? ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी। यदि आपको ब्रह्मा जी की स्तुतियां याद नहीं हो रही हैं, इतना सारा कैसे याद करेंगे प्रभु जी? तो बड़ा सिंपल है, चैतन्य महापुरु ने हमारी स्थिति को जानते हुए केवल 8 प्रार्थनाएँ दी। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 8 प्रार्थनाओं को याद कर लीजिए। इसको हम कहते हैं श्री श्री शिष्टाष्टकम, शिक्षाष्टकम, यानी कि शिक्षा दी गई 8 श्लोकों के द्वारा। तो इन 8 श्लोकों में अद्भुत प्रार्थनाएं हैं। उन प्रार्थनाओं के मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी हम भगवान के सामने जाएं, या जब भी हम कुछ व्रत करें, तपस्या करें, तो ये प्रार्थना करें। क्या क्या? जैसे न धनम, न जन्म, न सुंदरी। कि भगवान मुझे ना तो धन चाहिए, ना जन्म चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना अच्छे संतान चाहिए, ना ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपकी भक्ति चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आम आदमी ऐसा नहीं कर पाएगा। ऐसी स्तुतियों का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान की सेवा करके उन्हें तुष्ट करना चाहता है। भगवान दिव्य प्रेमा भक्ति विषयक समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरा करते हैं, किंतु वे अभक्तों की सनकों को पूरा नहीं करते। हाँ, भले ही ऐसे आकस्मिक भक्तजन सर्वोत्कृष्ट प्रार्थनाएं क्यों ना करें। यानी कि अभक्त जन, सनकी लोग जो सांसारिक चीज़ें मांग रहे हैं, भगवान के पास दिखावा करने के लिए आए हैं, दूसरे देवताओं के पास भी जा रहे हैं,
उनकी सनक को पूरा करने के लिए बाध्य भगवान नहीं है, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों की हर इच्छा को भगवान पूरा करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक सीख मिल रही है हमें कि प्रार्थना भी कैसी होनी चाहिए। हर प्रार्थना प्रार्थना नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि सांसारिक गाने मत गाइए। इवन जो भजन है, जैसे हम सुनते हैं जय ओम जय जगदीश हरे, वो प्रार्थना भी उचित प्रार्थना नहीं है, क्योंकि उसमें हम मांगते क्या है, कष्ट मिटे तन का। जरा ध्यान से सोचिए, सारा संसार इस प्रार्थना को कर रहा है आज की डेट में, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, कैसी प्रार्थना है, जरा इस पर विचार कीजिए। इसके अगेंस्ट में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं सुनिए, ये है असली प्रार्थना। और भगवान भी कह रहे हैं कि जो ऐसी प्रार्थनाएं करेगा वो अवश्य ही चरम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।